आनंद के सामने राधिका होती है और आनंद राधिका को बोलता है कि बदला लेने के लिए, राधिका तुम इतनी गिर गई हो। तभी राधिका बोलती है, आनंद बात मुंह संभाल के बात करना, नहीं तो देखती है जिस राधिका से तुम बात कर रहे हो ना, वो राधिका कब से मर गई है, और जिससे तुम बात कर रहे हो ना वो तभी मर चुकी है। आज तुम्हारे सामने जो राधिका खड़ी है ना, वो तुम्हारा हिसाब लेने के लिए आई है, सबको बर्बाद करने के लिए आई है। अनंत राधिका के ऊपर चिल्लाता है, तभी राधिका बोलती है कि आवाज़ नीचे, अनंत का बोलती है कि आनंद बात नीचे, आवाज़ नीचे करके बात करना, नहीं तो वरना कैसे ना हो कि पत्नी के जगह दोनों भी, मियाँ भी दोनों भी जेल में हो जाए। राधिका कहती है तुम्हारी नौकरानी तो गई। तभी आनंद कहता है खबरदार राधिका, अगर तुम गहना के बारे में ऐसा कुछ बोलोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राधिका कहती है कि क्या कर लोगे तुम। तभी आनंद कहता है करना है वो करूंगा, पर गहना पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। कहता है कि गहना अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। तभी राधिका कहती है कि तू साथ है ना उसके, तो बचा ले उसको, जा जैसे झगड़ा मत करो। तभी राधिका वहां से चली जाती है और आनंद गहना को ढूंढता है, गहना कहाँ गई है। तभी आनंद देखता है तो गहना रो रही होती है। तभी आनंद के गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी बोलती है मुझे नहीं पता वो तलवार के असली कैसे आई, मुझे तो लगा वो नकली है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तभी आनंद भी कहते हैं कि हाँ मुझे सब पता है, तूने जानबूझ के नहीं किया है। गहना बहुत रोती है, आनंद उसको समझाता है, बोलता है चुप हो जाओगा गहना, कुछ नहीं होगा, ये तो तलवार हमारी नकली थी, पर किसी ने असली रखी है और तुझे पता है ना ये किसने रखी होगी। तभी गहना कहती है कि वो जिसने भी रखी है, पर तलवार तो मेरे हाथ से चली है ना, भाभी को चोट देने वाली तो मैं हूँ ना, तो मुझे कैसे पता नहीं चला। तभी आनंद कहता है कैसे पता कि तूने तो वो तलवार उठाई भी नहीं थी, ऐसा तो हम दूर दूर तक भी नहीं सोचते। ऑर्गेनाइजेशन की औरतें बोलती है कि अबे हमको कुछ नहीं सुनना, जो भी करेगा पुलिस ही करेंगे। तभी बा कहती है कि हम खानदानी लोग हैं, अनाम है हमारा इस समाज में, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। तो वो औरतें कहती है कि ये पूरा सवाल का जवाब पुलिस ही बताएगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। राधिका सोचती है कि एनजीओ वाले औरतें ने तो पुलिस को फोन भी नहीं किया, तो भी पुलिस कैसे आ गई। पुलिस कहती है कि हमको खबर मिली है कि इस घर में किसी ने बहू पर जानलेवा हमला किया है। कहती है कि आपको यहाँ पर बुलाया किसने। तभी गहना कहती है मैंने बुलाया। बा कहती है कि पुलिस को क्यों बुलाया। आनंद भी कहता है ये सब क्या है गहना, क्योंकि कहती है सॉरी आनंद जी, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही बता दी। कहती है कनक कहाँ है और उन पर हमला किसने किया। तभी कृष्णा कहता है कि इधर कृष्ण कथा चल रही थी और सब अपना अपना किरदार निभा रहे थे। कृष्णा कहता है कि पता नहीं इधर क्या नकली है क्या असली है, हमको भी पता नहीं था, हम तो ये कर रहे थे, तो मुझे सजा, मैं भी इसमें हूँ, मुझे भी सजा दे दीजिए जो भी देना। तभी गहना बोलती है कि गलती मेरी है, सजा मुझे दीजिए। तभी काका जी बोलते हैं, तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और बोलती कनक देसाई को होश आ गया है। तभी सब लोग बोलते हैं जिसके साथ ये हुआ है उसी का बयान ले लीजिए। तभी पुलिस कहती है कनक देसाई ने हमको कंप्लेन की थी, पुलिस कह रही थी इनको टॉर्चर होता है, मारपीट होती है। कहती है पर्सनली इसीलिए तो हमने इधर राधिका को रखा था, और आज हमने खुद ही देखा कि गहना ने कनक को कैसे मारा।